आईपीएल के बाद मुसीबत में फंस जाएंगे कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि टूट जाएगा विराट का देखा हुआ सपना। अब कैसे होगा भारतीय टीम का सपना साकार, जब मंजिल तक पहुंचने से पहले ही आ गई तीन तीन बुरी खबर। न रोहित निपट पाएंगे न विराट कोहली, कोच राहुल द्रविड़ हाथ मलते रह जाएंगे। अभी से शुरू हुई पूरे 11 करने की तैयारी, टीम इंडिया पर पड़ेंगे 5 दिन बहुत भारी। विराट कोहली ने जो सपना साल 2021 में देखा था उसको वो पूरा नहीं कर पाए, उस अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब रोहित शर्मा के कंधों पर आ गई है। रोहित शर्मा भारत को वो ताज पहना सकते हैं जो उसने कभी नहीं पहना। ताज के करीब तो भारतीय टीम पहुंच गई है, लेकिन ये ताज अपने सिर सजाना टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सपना सच होने से पहले तीन बुरी खबर आ गई है। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जहां टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये महामुकाबला 7 जून को इंग्लैंड की धरती ओवल में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बुरी खबर यह है कि एक नहीं बल्कि 3 खिलाड़ी चोटिल हैं और WTC फाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भारत में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, और जब ये दोनों टीमें मैदान पर होती हैं तो क्रिकेट का रोमांच 7वें आसमान पर होता है। ऐसा ही कुछ नजारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखने को मिल सकता है। मगर जो चोटिल खबरें सामने आ रही हैं, उससे भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी है। सबसे पहले आपको नंबर 1 चोटिल खिलाड़ी के बारे में बताते हैं। गेंदबाजी में भारत की रीढ़ कहे जाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बुमराह की हालत तो ऐसी है कि वो एशिया कप से भी बाहर हैं, और उनके ना रहते हुए क्या हुआ ये सबने देखा। चोटिल नंबर 2 ऋषभ पंत, जिनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर को हुआ था। भीषण एक्सीडेंट में गंभीर चोट आई थी, सर्जरी भी हुई। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपनी चोट से उबरने में 5 से 6 महीने और लग सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए थे। उनकी चोट कितनी गंभीर है इसकी पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि WTC के फाइनल मुकाबले का वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वहीं कोच राहुल द्रविड़ भी बता चुके हैं कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो स्काई को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया इन दिनों अपने स्टार खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है, जिनकी वजह से रोहित शर्मा एंड कंपनी टेंशन में दिख रही है, क्योंकि रोहित जानते हैं कि इन खिलाड़ियों का टीम में नहीं होना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि उमेश यादव और लोकेश राहुल को इन खिलाड़ियों की जगह पर खिलाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट होना है और टीम इंडिया का फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना पसंद करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये खिलाड़ी WTC का हिस्सा नहीं होते हैं तो टीम मैनेजमेंट किस तरह से WTC फाइनल जीतता है, और खास तौर पर WTC फाइनल के लिए टीम कैसी चुनता है। क्या WTC फाइनल में ये देखते हुए कि वो इंग्लैंड के कैरिंगटन ओवल में है, क्या हार्दिक पांड्या को टीम में इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि वो तेज गेंदबाजी भी करते हैं और साथ ही साथ लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हार्दिक के नाम तो टेस्ट में शतक भी है। वहीं जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, KL राहुल से क्या विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है। अगर KL राहुल विकेट कीपिंग करते हैं तो टीम इंडिया के पास KL राहुल जैसा एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जो अभी टीम इंडिया को जिनके जवाब तलाशने हैं। ऐसे में आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।